क्यों बोते हैं, उसको बोने का कारण क्या है? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विट्ठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं, तो जवारे नहीं बोलते ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं, रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं, पांडुरंगा हरि विट्ठल की उपासना कर रहा है उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका? महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा, तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्यदेव भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं, नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण क्या? और महाराज, देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो, असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं, तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को, तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा? शिवजी ने कहा, चिंता मत करो, दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ।